Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. जी बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी डार्क रिएक्शन को कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर करनी है, हमारे आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनमें कॉन्सेप्ट ऑफ C3 और C4 पाथवेज, इन दोनों को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि डार्क रिएक्शन में C3 पाथवे किसे कहते हैं और C4 पाथवे किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने ओवरऑल इक्वेशन ऑफ केल्विन साइकिल, जो कि C3 पाथवे, उसको भी एक नज़र देखना है कि ओवरऑल जो इक्वेशन है वो कैसे ड्रॉ की जा सकती है C3 पाथवे की। और उसके बाद फिर जो केल्विन साइकिल के मेजर फेजेस हैं उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला फेज़ कार्बन फिक्सेशन, दूसरा फेज़ रिडक्शन और तीसरा फेज़ रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर होगा। देखो, ये जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, इसकी दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। डार्क रिएक्शन में दो पाथवेज परफॉर्म होते हैं, एक पाथवे को कहते हैं केल्विन साइकिल या C3 पाथवे, और दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। केल्विन साइकिल के साथ साथ दूसरा पाथवे है हैच सेलेक्ट साइकिल। तो दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट का ग्रुप वो है जिसमें सिर्फ केल्विन साइकिल परफॉर्म होगा ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, और दूसरा ग्रुप ऑफ प्लांट ऐसा है जिसमें केल्विन साइकिल के साथ साथ हैच सेलेक्ट साइकिल या C4 पाथवे भी परफॉर्म होगा। तो वो प्लांट्स जिनमें सिर्फ केल्विन साइकिल ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन परफॉर्म होना है, उन प्लांट्स को कहते हैं C3 प्लांट्स। मिसाल के तौर पर जैसे वीट, राइस, कॉटन, सनफ्लावर, ये इस तरह के प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। और इसके मुकाबले में वो प्लांट्स जिनमें C3 पाथवे के साथ साथ ये C4 पाथवे भी पाया जाता है, दोस प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। मिसाल के तौर पर मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम आर द एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन में सिर्फ ये पाथवे परफॉर्म हो रहा है जिसे हम केल्विन साइकिल कह रहे हैं, और जबकि C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल के साथ साथ हैच सेलेक्ट साइकिल भी परफॉर्म हो रहा है। लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द कॉमन इवेंट ऑफ द डार्क रिएक्शन इन ऑल द प्लांट्स, तो तमाम प्लांट्स में जो कॉमन इवेंट ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है वो केल्विन साइकिल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा पाथवे आपको हैच सेलेक्ट साइकिल की फॉर्म में बताया, ये कुछ प्लांट्स में परफॉर्म होगा और कुछ प्लांट्स में ये परफॉर्म नहीं होगा। तो पहले हम जरा केल्विन साइकिल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। केल्विन साइकिल की ओवरऑल अगर इक्वेशन बनाई जाए, एक समरी इक्वेशन केल्विन साइकिल की लिखी जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को रिड्यूस करने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 आर रिक्वायर्ड। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, आपको याद होगा कि NADPH2 इज the reducing power which is synthesized in the light reaction, और ये reducing power यहाँ पर utilize होगी। इसको हमने reducing power का नाम दिया था ना, तो this reducing power is actually synthesized in light reaction and it is used in the dark reaction। तो ये Kelvin cycle के दौरान carbon dioxide को reduce करेगा ये molecule। और इसके अलावा यहाँ पर energy provide करने के लिए 9 molecules of ATP which are also known as assimilating power, इसको भी हमने नाम दिया था assimilating power। तो ये assimilating power, ये ATP की शक्ल में, ये भी light reaction में synthesize हुआ है, ये यहाँ पर energy provide करेगा। carbon dioxide energy poor molecule है और इसके अंदर energy ATP के जरिए provide की जाएगी और इसे energy rich बनाया जाएगा। और इस तरह से इन तीनों के interaction से जो चीज़ बनेगी उनमें एक molecule G3P का है। G3P का पूरा नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या समटाइम इसको PGAL भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज PGAL। तो PGAL फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ये पूरा नाम है इसका। तो ये बेसिकली एक ट्रायोज कंपाउंड है, और इस तरह के दो ट्रायोजेस मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। सच टू ट्रायोजेस कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, दो
G3P के मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे, सो टू G3P मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज दरअसल इस तरह की दो मॉलिक्यूल्स की कंबिनेशन से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इस G3P के अलावा, G3P का एक मॉलिक्यूल एक साइकिल से निकलेगा, इसके अलावा और क्या चीज बनेगी? NADPH2 अपना हाइड्रोजन लूज करने के बाद NADP पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ATP अपनी एनर्जी लूज करने के बाद ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपके सामने केल्विन साइकिल की मैंने एक समरी इक्वेशन लिखी है जिसमें पूरे केल्विन साइकिल को समराइज कर दिया है कि पूरे केल्विन साइकिल में क्या चीज़ें इनपुट्स होंगी और क्या चीज़ें आउटपुट्स होंगी। असल जो इनपुट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और असल आउटपुट G3P है। आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने केल्विन साइकिल का इनपुट कंसिडर किया था, दिस इज सपोज टू बी इनपुट ऑफ द केल्विन साइकिल इनपुट, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर से ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह से G3P इज सपोज टू बी द आउटपुट ऑफ द केल्विन साइकिल, क्योंकि ये सिस्टम से बाहर जा रहा है ये मॉलिक्यूल, लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ही रिसाइकल हो रहे होते हैं, तो इस वजह से आप उनको इनपुट्स या आउटपुट्स में पर्टिकुलरली इंक्लूड नहीं करेंगे, अगरचे रिएक्टेंट्स में इन सब को शुमार किया जाएगा और प्रोडक्ट्स में इन सब को शुमार किया जाएगा, बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल की विच इज़ फर्दर यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल G3P का होगा। अच्छा, यहाँ पर कई एक MCQs बनते हैं, ये जो आपको मैंने इक्वेशन बताई है, तो इस इक्वेशन में आपको देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हाउ मेनी NADPH2 आर रिक्वायर्ड? 6। और अगर आपसे मैं पूछूं कि फॉर ईच CO2 मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल हाउ मेनी NADPH2 आर रिक्वायर्ड? 2। वेल डन, बिल्कुल यही, ये इसी तरह से MCQ यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपने ये याद रखना है कि अगर 3 CO2 के लिए 6 NADPH2 चाहिए तो 1 CO2 के लिए कितने चाहिए होंगे? 2। और बिल्कुल इसी तरह से 3 CO2 मॉलिक्यूल्स में एनर्जी इनकॉर्पोरेट करने के लिए 9 ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, तो फॉर ईच CO2 हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड? 3। वेल डन। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ CO2 टू नंबर ऑफ NADPH2 टू नंबर ऑफ ATP इन द केल्विन साइकिल, यहां पर रेशियो बनाओ, तो रेशियो क्या बन रहा है? 1:2:3। तो 1:2:3 ये रेशो बनेगा यहां पे। वेल डन। अच्छा, फिर आप देखिए कि ये एक G3P को प्रोड्यूस करने के लिए कितने CO2 रिक्वायर्ड है? 3। एक G3P को प्रोड्यूस करने के लिए कितने NADPH2 रिक्वायर्ड है? 6। और एक G3P को प्रोड्यूस करने के लिए 9 ATP चाहिए। लेकिन अगर मैं सवाल यू पूछता हूं आपसे कि इन ऑर्डर टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी CO2 आर रिक्वायर्ड? 6। बिल्कुल सही है। और इसी तरह से इन ऑर्डर टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी NADPH2 आर रिक्वायर्ड? 12। वेल डन। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इन ऑर्डर टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड? 18। वेल डन। और इसी तरह से कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी टाइम्स केल्विन साइकिल हैज टू अकर, कितनी दफा केल्विन साइकिल परफॉर्म हो तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट होगा? 2 बार। वेल डन, शाबाश। इसका मतलब है कि ये बात आप लोगों की समझ में आ रही है। केल्विन साइकिल ये इतना सिंपल नहीं है प्रोसेस के भाई आपने ये एक किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म करवाया, इन तीनों को ऐसे रिएक्ट करवाया और ये चीज़ें बन गई, ये इतना सिंपल नहीं है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल दरअसल 3 कॉम्प्लेक्स फेजेस पर मुश्तमिल है। उनमें से पहला फेज कहलाता है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा फेज कहलाता है रिडक्शन, और तीसरा फेज कहलाएगा रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये 3 फेजेस पर मुश्तमिल प्रोसेस है जिसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। दरअसल इस केल्विन साइकिल का जो नाम है वो एक साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, तो ये मेल्विन केल्विन के नाम के ऊपर बेस्ड है। मेल्विन केल्विन और उसके साथियों ने इस मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम
तो इस वजह से उसके नाम से इसको मंसूब कर दिया गया, इसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। केल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी कहते हैं। C3 पाथवे इसे क्यों कहते हैं ये अभी हमने समझना है आगे, तो आपने इस बात पे ध्यान रखना है कि व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड C3 पाथवे। तो आइए देखते हैं कि केल्विन साइकिल में ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये कैसे परफॉर्म होंगे। इस पे आपकी तवज्जो चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आपके एग्जाम के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन लॉन्ग क्वेश्चंस में हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, और उनमें से अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ केल्विन साइकिल। तो आपको ये डिस्क्राइब करते हुए ना सिर्फ आपने ये तीनों स्टेप्स को वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करना है, बल्कि पाथवे की पूरी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो अभी मैं आपको साथ साथ ये पाथवे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है, और हर एक स्टेप के ऊपर नज़र रखनी है कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। जी, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसे राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट का नाम दिया गया है। राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, ये पाथवे आपके पास बुक के अंदर भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आप चाहें तो साथ साथ इसको ड्रॉ करते जाएं, वरना ये बुक के अंदर भी पाथवे आपको मिल जाएगा। अच्छा बेटे, तो आप गौर कीजिए जो चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, इसके तीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे मेटाबॉलिक ये केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं। देखो, आपको ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना, ये जो गोल गोल आपको अंडे नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द कार्बन एटम्स, ठीक है, ये कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट किया हमने। तो देखो, इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं, और उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप आपको नज़र आ रहा है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप आपको कहाँ नज़र आ रहा है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर। तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। तो इस तरह से एक फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है और दूसरा फिफ्थ कार्बन पर, इस वजह से इसका नाम है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का स्टेटस क्या है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि केल्विन साइकिल में जो सबसे पहला फेज है कार्बन फिक्सेशन, इस फेज में इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जिस मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करना है केल्विन साइकिल में, वो दरअसल ये राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट है। तो इसका यहाँ पर स्टेटस क्या है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, या इसका रोल क्या है केल्विन साइकिल में, तो इसका रोल आपने याद रखना है कि दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑफ द केल्विन साइकिल। अच्छा, अब देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे टू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स से ये रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त ये जो CO2 मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए, मैंने जिस डिजिट को यहाँ पर इनसर्कल किया हुआ है रेड सर्कल के अंदर, इसको बंद किया हुआ है, ये असल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इधर भी ये 3 किसको इंडिकेट कर रहा था, 3 मॉलिक्यूल्स को, और इधर भी ये 3 किसको इंडिकेट कर रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स को। और जबकि ये जो ब्लू कलर के आपको गोल गोल सर्कल्स दिखाएं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करें। जैसे CO2 के अंदर सिंगल कार्बन है, इस वजह से एक सिंगल सर्कल बनाया है, और यहाँ पर टोटल 5 कार्बन हैं, तो 5 सर्कल्स बनाए। बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? अच्छा, तो अब देखो, हमने CO2 जो है ना उसको इनपुट कहा है। तो ये अभी मैंने आपको केल्विन साइकिल की समरी में भी बताया था कि CO2 इज एक्चुअली द इनपुट ऑफ द केल्विन साइकिल। तो CO2 के 3 मॉलिक्यूल जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से रिएक्ट करेंगे, तो आपके ख्याल में पहला मॉलिक्यूल जब पहले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, पहला CO2 पहले राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट से रिएक्ट करेगा। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि ये जो मॉलिक्यूल है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में RUBP भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज RUBP। RUBP स्टैंड फॉर राइबुलोज, RU फॉर राइबुलोज और BP फॉर बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को कॉमनली RUBP भी कहते हैं। तो RUBP के पहले मॉलिक्यूल से जब पहला CO2 रिएक्ट करेगा, तो इस रिएक्शन के नतीजे में
प्रोड्यूस होने वाला कंपाउंड कितने कार्बन पर मुश्तमिल होना चाहिए, सोचिए। वेल डन। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा यहां पर। व्हेन सेकंड CO2 रिएक्ट्स विद सेकंड RuBP, अनदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड व्हेन द थर्ड CO2 रिएक्ट्स विद थर्ड RuBP, अनदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हाउ मेनी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड? 3। तो ये देखिए 6 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनके टोटल कितना नंबर है, इनका नंबर है 3। ये 3 मॉलिक्यूल्स यहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट कीप इन योर माइंड दैट दीज 6 कार्बन कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। ये 6 कार्बन कंपाउंड्स यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बनेंगे जरूर, बनते ये टूट जाएंगे। और टूटेंगे किसमें? मिसाल के तौर पर ये टोटल 6 कार्बन थे ना, इस तरह से करके हम इसको यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर के टोटल ये चूंकि 6 कार्बन की चेन बनी है यूं करके, तो अगर ये दरमियान से ऐसे करके टूट जाए, ऐसे करके यहां से टूट जाए, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड, इसका यहां पे कोई भी नाम इसी वजह से नहीं बताया गया कि ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और ये यहां पे स्टे नहीं करता, ये बनते ही फौरन टूट जाता है, दरमियान से कट जाता है और इस तरह से इससे 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे। तो देखो पहला 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 बनेंगे, दूसरा टूटेगा 2 बनेंगे, तीसरा टूटेगा तो मजीद 2 बनेंगे, तो टोटल यहां पर 3 कार्बन कंपाउंड्स जो बन रहे हैं उनका नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। इसमें देखो ये 3 कार्बन की चेन और इसके साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ है तो इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड हियर। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 हैं। तो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट ये यहां पे प्रोड्यूस हो गए। इस वक्त ये जो 3 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? व्हाट अबाउट दिस 3 जी? नंबर ऑफ कार्बन एटम को नहीं, ये पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट द थर्ड कार्बन एटम। देखो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो दिस इज अटैच ऑन कार्बन 3, देयरफॉर इट इज नोन एज 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक हो गया? तो ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में 3 किस बात को इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को। ये जो 6 मैंने लिखा है ये किसको शो कर रहा है? दिस 6 पेयर्स नहीं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। टोटल इस तरह के कितने मॉलिक्यूल यहां पर हैं? 6 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब देखो यहां से लेकर यहां तक का जो पाथवे है ना, दिस पाथवे इज नोन एज, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो पाथवे है इसे कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इसे क्या कहते हैं? कार्बन फिक्सेशन। Why it is called carbon fixation? तो आपने इसका reason ये बताना है कि it is called carbon fixation because the carbon of inorganic compound becomes the part of organic compound during this phase. The carbon of inorganic compound becomes the part of of organic compounds. During this phase, ठीक है जी? तो why this phase is called carbon fixation? तो आपने इसका reason क्या बताना है? Why it is called carbon fixation? आपने बताना है कि during this phase the carbon of inorganic compound, and what is that inorganic compound? CO2. तो carbon of inorganic compound becomes the part of organic compound. Therefore this phase is called कार्बन फिक्सेशन। दिस कार्बन फिक्सेशन स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज रुबिस्को। यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, RuBisCO, ठीक है, RuBisCO, रुबिस्को। तो रुबिस्को स्टैंड्स फॉर, रुबिस्को स्टैंड्स फॉर राइब्यूलोज, Ru for ribulose,
BIS for bisphosphate, BIS for bisphosphate, and CO for C for carboxylase, and O for oxygenase. तो पूरा नाम बन गया इसका राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? रिबिस्को. इधर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आप लोगों की. देखो ये जो एंजाइम है ना जो यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर. आपने इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर. इसकी अहमियत क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये नेचर में. दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर. पूरी दुनिया में जो प्रोटीन्स पाई जाती है ना उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो दरअसल रिबिस्को प्रोटीन है. और ये रिबिस्को प्रोटीन का रोल क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. रिबिस्को एक एंजाइम है विच कैटलाइजेस द कार्बन फिक्सेशन ऑफ केल्विन साइकिल. एक काम तो आपने ये बता दिया, ठीक है. रिबिस्को इज एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस द कार्बन फिक्सेशन ड्यूरिंग केल्विन साइकिल. फर्दर आप रिबिस्को की तारीफ यूं करेंगे कि रिबिस्को हैज ड्यूअल फंक्शन. तो रिबिस्को का ड्यूअल फंक्शन क्या है? रिबिस्को का ड्यूअल फंक्शन यह है कि यह ना सिर्फ एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम है बल्कि यह ऑक्सीजनेज एंजाइम भी है. कार्बोक्सिलेज होने का मतलब यह है कि इट कॉजेज द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आरयूबीपी. देखो ये आरयूबीपी आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना ये कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा. एंड दिस कार्बोक्सिलेशन इज कैटलाइज्ड बाय दिस रिबिस्को. ठीक है, इस इवेंट को क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सिलेशन. तो ये कार्बोक्सिलेशन ये कौन कैटलाइज कर रहे हैं? दिस कार्बोक्सिलेशन इज कैटलाइज बाय रिबिस्को. लेकिन ये कार्बोक्सिलेज होने के साथ साथ ये ऑक्सीजनेज के तौर पर भी एक्ट करता है. इसका ये जो ऑक्सीजनेज फंक्शन है ये दरअसल यहां केल्विन साइकिल में यूज नहीं होगा. दिस ऑक्सीजनेज फंक्शन इज यूज इन फोटो रेस्पिरेशन. दिस फंक्शन इज यूज इन फोटो रेस्पिरेशन. This function is used in photorespiration. अभी हम इस चैप्टर में आगे चलकर एक इवेंट पढ़ेंगे, photorespiration. तो ये जो photorespiration इवेंट है, इस photorespiration में oxygenase activity of the rubisco will be used. यानी as oxygenase ये क्या करेगा? As oxygenase it causes the addition of oxygen in RuBP. ठीक है, oxygenase होने के तौर पर ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को आरयूबीपी में ऐड करेगा. और अगर ऑक्सीजन आरयूबीपी में ऐड हो तो क्या ये फिर सिक्स कार्बन कंपाउंड यहां पे प्रोड्यूस हो सकेगा? और अगर ये सिक्स कार्बन कंपाउंड यहां नहीं बनेगा तो फिर केल्विन साइकिल भी ड्राइव नहीं होगी. यानी जब भी ये ऑक्सीजनेज बन गया, ये ऑक्सीजनेज के तौर पर एक्ट करेगा, तो तब फिर केल्विन साइकिल रुक जाएगी और फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी. फोटो रेस्पिरेशन अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर फिर दोबारा रिबिस्को नजर आएगा. तो ये इसी वजह से यहां पर इसका ड्यूअल रोल आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया है. यहां पर आप देख रहे हैं केल्विन साइकिल में इसका कौन सा रोल यूटिलाइज हो रहा है. इन केल्विन साइकिल रिबिस्को एक्ट एज कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज? वेल डन, शाबाश. ठीक है भाई, तो पहला फेज हमारा कंप्लीट हो गया. अब आते हैं हम सेकंड फेज के ऊपर. अच्छा बेटे, तो अब देखो नेक्स्ट फेज है रिडक्शन. नाउ व्हाट हैपेंस इन द रिडक्शन फेज? ये जो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉरी ये जो सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट है, ये नेक्स्ट फेज के दौरान सबसे पहले इनकी फॉस्फोरिलेशन होती है बाय मींस ऑफ एटीपी. तो एटीपी से एक एक फॉस्फेट इन मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगा. एटीपी अपना फॉस्फेट लूज करके एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर गेटिंग द फॉस्फेट ग्रुप, अब ये थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट नहीं रहेंगे, एक और फॉस्फेट इनके फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो जाएगा. एंड नाउ दे बिकम 1,3-bisphosphoglycerate. ठीक है, ये क्या बन गए? 1,3-bisphosphoglycerate बन गए.
इस इवेंट को क्या कहना चाहिए, इस इवेंट को क्या कहना चाहिए? दिस इवेंट शुड बी कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या कहना चाहिए इसको? देखो आप यहां पे क्या हुआ है, थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट गेट वन गेट्स वन फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी एंड बिकम्स 1,3-bisphosphoglycerate, ठीक है? तो एटीपी से फॉस्फेट यहां पे शिफ्ट हुआ है, तो दिस इवेंट इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या हो सकता है ये? दिस इज इनफैक्ट फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन कहलाएगा ये। आप याद रखिए कि हमेशा हम ये किसी रिएक्शन को जब टाइटल करते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम उसको टाइटल देते हैं कि इस रिएक्शन का ये टाइटल है, इस रिएक्शन में ये एक्टिविटी हो रही है, तो रिएक्शन का टाइटल हमेशा सबस्ट्रेट की बुनियाद पे दिया जाता है। इस वक्त ये जो थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट है ये दरअसल सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, इस वजह से ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर जो एटीपी यूज हो रहा है ना, ये कोएंजाइम यूज हो रहा है, तो आप कोएंजाइम को देखें तो इस कोएंजाइम ने अपना फॉस्फेट लूज कर दिया है, तो हम इस एक्टिविटी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। हमेशा किसी भी रिएक्शन के अंदर जो चीज़ रिपोर्ट की जाती है वो सबस्ट्रेट के साथ होने वाली एक्टिविटी होती है। तो सबस्ट्रेट है थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट, तो इसके साथ चूंकि फॉस्फेट ऐड हो रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन का नाम दिया गया है। और इस फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में 1,3-bisphosphoglycerate के 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए कि 1,3-bisphosphoglycerate इन द नेक्स्ट रिएक्शन, इसके साथ ये जो रिड्यूसिंग पार्ट्स थे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH ये रिएक्ट करेंगे, और हर एक से दो दो हाइड्रोजन 1,3-bisphosphoglycerate को मिल जाएंगे। आफ्टर गेटिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH 1,3-bisphosphoglycerate ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अपना हाइड्रोजन लूज करने के बाद ये जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH हैं, हाइड्रोजन लूज करने के बाद ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। यहां पर सिर्फ ये इस तरह से रिडक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो इवेंट आप देख रहे हैं ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस इवेंट को क्या कहना चाहिए? दिस इज इनफैक्ट रिडक्शन इवेंट, यहां पर एक्चुअली रिडक्शन हो रही है। तो यहां पर सिर्फ ये रिडक्शन नहीं होती, बल्कि यहां पर साथ एक और एक्टिविटी भी हो रही है कि फॉस्फेट ग्रुप का लॉस भी होगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स विल ऑल्सो बी लॉस्ट, यानी डीफॉस्फोरिलेशन भी होगी। दिस इवेंट इज नोन एज डीफॉस्फोरिलेशन। तो यहां पर ना सिर्फ डीफॉस्फोरिलेशन हो रही है बल्कि रिडक्शन हो रही है, और इस दोनों के बाद और इन दोनों एक्टिविटीज के बाद जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन रही है वो है ग्लाइसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट G3P। इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल्स थे और अल्टीमेटली ये भी अब 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आप इवेंट ऑब्जर्व कर रहे थे इसे कहते हैं रिडक्शन। इस रिडक्शन के एंड पर अब ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P साइकिल से आउट हो जाएगा, और जबकि बाकी के 5 मॉलिक्यूल इस नेक्स्ट फेज में दाखिल हो जाएंगे। तो यहां तक का जो पाथवे था ना, उसे कहते हैं रिडक्शन फेज। इसमें ये जो G3P का एक मॉलिक्यूल है, इट एक्ट एज अ आउटपुट, ठीक है, और बाकी के मॉलिक्यूल ये अगले फेज में दाखिल हो जाएंगे। नाउ दिस पोर्शन ऑफ द पाथवे इज कॉल्ड रिडक्शन फेज। अच्छा, अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्ट को हमने रिडक्शन फेज का नाम क्यों दिया है, हालांकि इसके अंदर आपने देखा कि फॉस्फोरिलेशन भी हो रही है, इसमें रिडक्शन भी हो रही है, और इसमें डीफॉस्फोरिलेशन भी हो रही है, देन व्हाई वी कॉल इट रिडक्शन फेज? केल्विन साइकिल का ये फेज रिडक्शन फेज क्यों कहलाता है भाई, इसके ऊपर जरा तवज्जो करें। तो बेटे इसमें फॉस्फेट भी तो ऐड हुआ था और फॉस्फेट रिमूव भी हुआ है, तो व्हाई वी प्रपोज द टाइटल रिडक्शन फेज फॉर दिस फेज? तीन एक्टिविटीज हो रही है ना, फॉस्फेट का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, फॉस्फेट का रिमूवल हुआ, लेकिन टाइटल हमने रिडक्शन दिया है, व्हाई? सोचें, शाबाश, वेल डन, वेल डन। ये सेकेंड ईयर वाले तो नहीं बोल रहे हैं?
शाबाश शाबाश बेटे, ये फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी हम इग्नोर कर देंगे फॉस्फोरिलेशन को कि भाई फॉस्फेट ऐड हुआ और फिर रिमूव भी हो गया, तो हम समझेंगे कि फॉस्फेट आया ही नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बाकी क्या बच गया, रिडक्शन, देयरफॉर द फेज इज टाइटल्ड एज रिडक्शन फेज। तो आपने याद रखना है कि तीनों एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली रिडक्शन फेज इसको कहने का मकसद दरअसल ये है कि फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्शन फेज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P या 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P या 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P? नो बेटा, जब भी आपसे रिडक्शन फेज की प्रोडक्ट्स पूछी जाए ना, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्शन फेज, तो आपने कहना है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, ये रिडक्शन फेज की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद फिर एक मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया और 5 मॉलिक्यूल नेक्स्ट फेज के सबस्ट्रेट बन गए, समझ आई बात? ये यहां पर अक्सर गलती हो जाती है। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन की प्रोडक्ट्स क्या थी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड या 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट? जी बिल्कुल, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन। तो ये हर एक स्टेप को याद रखते जाएं। अच्छा भाई, उसके बाद ये जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज में ये जो CO2 एक्सेप्टर है, व्हाट इज CO2 एक्सेप्टर, किस मॉलिक्यूल को CO2 एक्सेप्टर कहते हैं? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर को अब रीजनरेट करना है, तीसरा स्टेप कहलाता है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। उसमें ये 5 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे G3P के। अब ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P जो कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेट करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि यहां पर सीरीज ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं जिनको यहां पर समराइज कर दिया है, ठीक है, यहां पर इनको समराइज कर दिया है क्योंकि यहां पर काफी सारे इंटर कन्वर्टेड रिएक्शंस हैं जिसमें ये G3P जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, टोटल मॉलिक्यूल 5 हैं, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होंगे, 5 में चेंज होंगे, फिर इसी तरह से 7 और 9 और 10 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, और फिर उसके बाद फाइनली 5 कार्बन मॉलिक्यूल बने। तो एक्चुअली यहां पर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफी सारे रिएक्शन हैं जिनको समराइज कर दिया और सीधा आपको बताया जा रहा है कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P आर नाउ कन्वर्टेड इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट। यहां पर सेवरल इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शंस थे, ठीक है, तो उनको हमने समराइज कर दिया। आप जरा काउंट कीजिए कि ये जो आपके सामने स्टॉक है इस वक्त 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन टोटल, इस पूरे स्टॉक में टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे, जरा गेस करें। 15, वेल डन। और सिमिलरली हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन टोटल इन दिस स्टॉक, तो एक्चुअली देर इज नो गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम्स, तो जस्ट ये रीअरेंजमेंट हुई है, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर नाउ चेंज इनटू 5 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट के साथ अब ATP रिएक्ट करेगा और इसको फॉस्फोरिलाइज करेगा, ATP से एक एक फॉस्फेट शिफ्ट हो जाएगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, और राइबुलोज 5 फॉस्फेट उस फॉस्फेट ग्रुप को लेकर बन जाएगा राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, और ये ATP अपना फॉस्फेट लूज करके ADP में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये आखिरी जो इवेंट है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। इस लास्ट फॉस्फोरिलेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज रीजनरेटेड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज CO2 एक्सेप्टर इज राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, वो रीजनरेट हो जाता है। इस तरह से केल्विन साइकिल ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि व्हाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 पाथवे। आपको याद है इसे C3 पाथवे का भी हमने नाम दिया था कि दिस इज आल्सो नोन एज C3 पाथवे, तो इसको C3 पाथवे क्यों कहते हैं? दरअसल इसमें जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, विच वन इज फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल,
कार्बन। हाँ, तो ये फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट, दिस इज फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, एंड सिंस दिस इज थ्री कार्बन मॉलिक्यूल देयरफॉर द केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 पाथवे। तो ये रीजन भी अक्सर पूछा जाता है कि वाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 पाथवे, तो C3 पाथवे इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड दैट इज नोन एज थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट, देयरफॉर केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 पाथवे। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन इसमें? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।